नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नॉर्मल रेंज में लेना चाहते हैं और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं। आप एयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप एयरफोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपके पास वो नहीं ठहरते और ख़राब होते रहते हैं, तो आप तो गाइज ये जो एयरबड है वो, चलिए मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ कि एयरबड कैसे दिखते। हे गाइज वेलकम बैक ATR मोबाइल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलाइट का प्लेबर्ड्स 130 मॉडल, और न्यू टेक्नोलॉजी है और न्यू कंपनी है और काफ़ी अच्छे इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कम रेंज में आपको मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या फंक्शंस हैं और ये कितने का मिलेगा आपको और कहाँ से मिलेगा, कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि ये इलाइट जो है इसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी आते हैं और आपको कम रेंज में जो है ये मिल जाएंगे। और सबसे पहले तो हम देखते हैं इलाइट का जो प्लेबर्ड्स 130 मॉडल है ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट एनी मैच, आपका टाइम वेस्ट किए बिना, फटाफट से मैं सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। उसके बाद गाइस हम इसके कुछ फीचर्स हैं जो वो देखेंगे, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये आपको कितने का मिलता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको बॉक्स के साथ क्या क्या मिलेगा। एक टाइप सी केबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो एयरबड है गाइस वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए हम इसको एयरबड्स को आपको पहले सबसे इसकी फिनिशिंग जो है वो लुक कैसी दिखती है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको जो इसके फीचर्स हैं और प्राइस जो है वो आपको बताएंगे कि क्या प्राइस है इसका। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, अगर आपको वेट कम वेट में अगर आपको लेना है तो ये इसका वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हल्की लग रही है। और गाइस का जो प्राइस है ना वो आपको उस प्राइस में आपको बेस्ट है ये, अगर आप रफ़ यूज़ करने के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एयरफोन लेते हैं बार बार, अगर आप ख़राब कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ले लें, क्योंकि जो ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ काफ़ी समय तक चल जाता है। और अगर आप बार बार एयरफोन्स ख़राब करते हैं तो इसका जो प्राइस है अगर आप बार बार लेंगे भी तो आपको ये अमाउंट वहीं तक चले जाएगी एयरबड्स तक। और ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको एक बार ख़रीदना और काफ़ी लंबे समय तक आपको ये चल जाते हैं, और इसकी जो वारंटी भी आपको साथ में मिल जाएगी। और टाइप सी ये जो है चार्जिंग है। और तो गाइज ये जो एयरबड है वो, चलिए मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ कि एयरबड कैसे दिखते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या फंक्शंस है। तो गाइज ये देख सकते हैं कुछ ऐसे एयरबड्स हैं, और मैं आपको बिल्कुल जो है वो पास से दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग कि कैसे दिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आपने बिल्कुल पास से फिनिशिंग देख ली इसकी और कैसी फिनिशिंग दिखती है गाइज़, काफ़ी अच्छे हैं एयरबड है, न्यू स्टाइल में है ये। आपको आप देख सकते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसमें, अगर आप इसको विदाउट बर्ड्स भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको बर्ड्स वाले आप परचेज़ करते हैं तो इसका जो बर्ड्स है ना वो कुछ आपको इस तरह का देखिए आपको मिलेगा, ये ऐसा बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा इसका। और जो इसका बर्ड्स है वो थोड़ा यूनिक है, और ये आई थिंक ये आपको इजीली, अगर आपके बर्ड्स गुम हो जाते हैं तो आपको ये बर्ड्स मिलने नहीं वाले, क्योंकि ये वाले बर्ड्स आपको अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जो रबड़ वाले बर्ड्स आ गए ये वाले। तो गाइज़ इसका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं कि रबर और विदाउट जो बर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, इनमें तो कुछ दोनों थोड़ा मिक्सचर करके बनाया गया है। अगर आप विदाउट रबर यूज़ करते हैं इसका जो एयरबड है, जो बिना एयरबड वाले यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से इसकी आउटपुट भी निकलेगी, और जो रबर वाले यूज़ करते हैं उसको आप अपने कान पे इस
इस साइड से अगर लगाएंगे तो इसकी जो बीस है थोड़ी वो हैवी निकलेगी। तो गाइज काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे और इसको पेयर करने का बड़ा ही इजी तरीका है, आपको पेयर भी करके दिखाएंगे कैसे आपने करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको पेयर कैसे करना है, उसके बाद आप इसको इजीली पेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप न्यू लेके आए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह ना लगा हो जिससे आपका जो ये एयरबड है वो कनेक्ट और चार्ज ना हो पाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एयरबड्स को केस में इस तरह आपने इंसर्ट कर देने हैं और उसके बाद आपने देखना है कि ये चार्ज है कि नहीं चार्ज। तो गाइज़ जैसे ही ये आपके चार्ज होंगे उसके बाद आपने एयरबड्स को इस तरह ओपन करना है और आपके जो इसको ऐसे ओपन करेंगे बाहर निकाल के, अब उन्हें सिर्फ आपने इसको ऐसे ओपन कर लेना और आपने जब इसको अपने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको मॉडल जो है शो कर जाएगा और उसके साथ आपने वहाँ पे पेयर कर लेना। तो गाइज़ ये थे एयरबड्स 130 प्लेबर्ड्स 130 और कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। कुछ ऐसा बॉक्स है ये गाइज़, ये आप देख सकते हैं, कुछ आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा और प्लेबर्ड्स 130 का, और इसकी जो लुक है वाइट और ब्लैक में भी आते हैं। और यहाँ पे आप एक बार नज़र मारे, ओनली डॉक और विद टाइप सी इसका जो चार्जर है, C2C और C2 IOS। तो ये आप इसमें चार्जिंग कर सकते हैं अलग अलग केबल्स के साथ। और इसमें आप देख सकते हैं म्यूज़िक मोड्स भी हैं और वो मोड्स आपने कैसे ऑन करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं म्यूज़िक मोड जो है उसको सिंगल प्रेस करना है, एनी बटन ऑन द लेफ्ट और राइट टू पॉज एंड प्ले। अगर कोई भी राइट और लेफ्ट के एयरबड के ऊपर अगर आप सिंगल इसको अगर आप टैब करते हैं, सिंगल प्रेस करते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐसे सिंगल प्रेस करेंगे तो ये गाइज आपका जो है प्ले और पॉज हो जाएगा अगर आप गाने वगैरह सुनते हैं। तो नेक्स्ट करने के लिए गाइज आप ट्रिपल राइट जो राइट बर्ड्स आपका जो राइट साइड का बर्ड्स होगा उसको आपने ट्रिपल बार अगर आप ट्रिपल टाइम्स आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपका सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने ट्रिपल प्रेस लेफ्ट वाला अगर करेंगे तो आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। वॉल्यूम, तो आपने इसकी जो वॉल्यूम है वो कैसे आपने इंक्रीज और डिक्रीज, कम और ज़्यादा आपने उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डबल प्रेस आपने अपने राइट बर्ड जो राइट वाला बर्ड है उसको आपने डबल प्रेस इस तरह करना है, आपने डबल प्रेस और वॉल्यूम जो है उसकी अप हो जाएगी। और लेफ्ट वाला उसके बाद आपने लेफ्ट एयरबर्ड्स को फिर डबल प्रेस करना है तो आपकी जो वॉल्यूम है वो डाउन हो जाएगी। तो गाइज़ इस आप देख सकते हैं ब्रांड नेम जो है इलाइट है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। और इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं MRP यहाँ पे लिख रखा है। आपको ये प्राइस गाइज इसका जो है प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये कम से कम मिल जाते हैं मार्केट से कोई 900 और 1000 के अंडर आपको ये एयरबड्स मिल जाएंगे विद आपको वारंटी साथ में मिल जाएगी। अगर आप एयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप एयरफोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपके पास वो नहीं ठहरते और ख़राब होते रहते हैं तो आप गाइज एक बार एयरबड्स इलाइट का ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप बार बार एयरफोन्स वगैरह ख़राब कर रहे हैं तो आपको ब्लूटूथ वाला जो एयरबड है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वहीं तक पहुंच जाएगी अगर आप बार बार एयरफोन ले रहे हैं। तो एक बार आपने इन्वेस्ट करके आपने इसको लेना है। ये गाइस जो एयरबड है ये आप हाई फाई जो साउंड क्वालिटी जो सुनते हैं, जो हैवी बेस वगैरह सुनते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नॉर्मल रेंज में लेना चाहते हैं और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं, तो उनके लिए ये न्यू कंपनी का इलाइट जो है उनके लिए है। इसमें और भी आपको एयरबड्स वगैरह काफ़ी अलग अलग मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और अगर चैनल भी न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप देख सकते हैं नीचे सब्सक्राइब जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगी। जो भी आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आप हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और आप घर पे ही वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी क्योंकि न्यू एलाइट जो है एयरबड आ रहा था, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना डाली। तो गाइज़ चलिए अब मुझे आगे दीजिए अगली वीडियो के साथ,
और जय हिंद, जय भारत।